आलू प्याज लेकर पनीर दो साल बाद मिक्स आलू प्याज वो क्या था आधा पनीर मैं लूंगा भाई पूरा ले ले बड़ा खराब है प्याज मंगवाने और होते हैं चाहिए नहीं क्या वो ट्राई करना है ना आटा मेरे को भी ले निकाल हराम खोरी चीनी लाने चीनी तेरी चीनी सो हेलो गाइस दिस इज राइट डे टू सो बेसिकली हमने सोचा लद्दाख के लिए राइड करते हैं तो बहुत जल्दबाजी में हमारी प्रिपरेशन रही और जैसे तैसे करके हम मैनेज कर पाए लद्दाख राइड स्टार्ट करने के लिए सो डे टू इसलिए है क्योंकि कल जो है हम सुबह निकल गए थे दीपेश की बाइक जो है वो पंचर हो गई मॉर्निंग में और इसके वजह से निकलते निकलते 7-8 बज गए सुबह के तो 47-48 डिग्री टेम्परेचर था मॉर्निंग में मॉर्निंग से ही 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद तो 2 बजे तक तो हम कंटिन्यू कर पाए उसके बाद हम अम्बाला आसपास पहुँचे तो फिर हमारे से कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो गया डिहाइड्रेशन थोड़ा होने लग गया था हमने हालाँकि खूब पानी वानी बीच में काफ़ी कुछ पिया तो उसके बाद हमने सोचा कि तुरंत एक होटल ले लिया जाए सो ये होटल है वन प्लस ये जस्ट आपको अम्बाला जाते हुए मेन रोड के साइड में मिलेगा तो इधर पे हमने स्टे करा मॉर्निंग में फिर से निकलते थोड़ा सा लेट हो गया है हालांकि सोच रहे कि आज 400-500 किलोमीटर देखते कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कंसिडरिंग गर्मी तो टारगेट यही है कि पत्नीटॉप आसपास इस राइड में करें सो अभी कितनी भी वीडियोज आएंगी वो इसी राइड आज के दिन से शुरू होंगी और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं फिर मिलते हैं बाइक के ऊपर भाई मैंने तो सामान ज़्यादा लिया अभी नहीं है मेरे को तो दिक्कत आगे आएगी मेरे को ज़्यादा सामान तो मैंने भी ज़्यादा नहीं लिया यही है कि मैं एक ही शर्ट को 2-3 दिन चलाऊँगा मैंने 4 टी शर्ट लिए उनकी तो चला सेम मेरा भी है 4 मेरे पास भी जीत नहीं काम अगर राइडिंग पैंट होता तो मैं तो शायद 4 जीत लूँगा 4 जीत लूँगी मैंने 2 पैंट वो घूमने उमने के लिए सपना जब लगने लगे कि बस कुछ ही पल और फिर पूरा होने वाला है खराब रास्ते तकलीफ डर ये सब कहीं पीछे छूट जाता है वो कहते हैं ना कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है
फ्री लगा रखा अब मेन हाईवे है ये लुधियाना वाला मेन हाईवे चलो हाँ। गाड़ी फंसी है फोर व्हीलर फंसा है वहाँ एक घंटा हमारा वेस्ट हुआ अभी बज रहे तीन बज गए अभी जम्मू यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है हम टारगेट कर रहे हैं उधमपुर में टारगेट तो पत्नीटॉप है उधमपुर में रुक जाएंगे दो यहाँ एक आध घंटा स्पेंड करते हैं। हाँ ये बता भाई दीपेश कैसी राइड रही गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन वो है कि राइडिंग ग्लव्स पहन के और प्रॉपर अपने आप को पैक करके चल रहे थे कि मतलब डायरेक्ट आपको गर्म हवा ना लगे मतलब ठीक रहा काफ़ी स्ट्रगल तो थोड़ा स्ट्रगल था कि मतलब इस टाइम जून के टाइम पे अगर 47-48 हो तो क्या सजेशन करेगा ये ऐसा ठीक है कुछ और इम्प्रूवमेंट कि मतलब जो लोग नए अभी निकलेंगे लद्दाख के लिए सिमिलर टाइम पे चाहे इस साल हो चाहे अगले साल हो इस टाइम पे अगर 47-48 पड़ रहा है और दिल्ली से रूट पता है कितना गर्म था तो कैसा रहेगा मतलब रात में सही है दिन में सही है या मिक्स करके या हॉल्ट करके बीच बीच में कैसा है वैसे नॉर्मली टारगेट रहता है ना दिल्ली से नाप दिया सीधा नाइट राइडिंग किसी को कंफर्टेबल है हाँ तो उसके लिए बड़ा इजी रहेगा मतलब अगर आप दिन में करोगे तब तो हाँ भाई एक और चीज़ है टायर प्रेशर कितना था मेरा तो 40 पहुँचा हाँ भाई ये आशीष है हमारे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो हमारे साथ राइड कर रहे हैं तो टायर प्रेशर भाई कितना था इनका भी क्लासिक 350 है कल मैंने चेक कराया था तो 35 था बट अभी चेक करवाया तो 51 इतनी गर्मी में मतलब टायर प्रेशर भाई नॉर्मल अगर तुम सोच रहे हो 31 आसपास है तो पहुंच जाता है 50 आसपास तो इसलिए टायर प्रेशर थोड़ा कम रखना ज़्यादा हाँ नहीं तो गाड़ी बंप करेगी थोड़ा अभी राइड करके हाँ कम्फर्टेबल आपको लगेगा नहीं हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या ये क्या ना दही बल्ला दही बल्ला है ब्रेकफास्ट में क्या खाया था ब्रेकफास्ट में हमने खाया मशरूम की सब्जी दाल फ्राई और बटर रोटी और चीज़ में मसाला और अपना ये लंच हमने सैलेड ऑर्डर किया जिनसे खाए नहीं क्या फेंक दिया सैलेड फेंक दिया लंच स्किप करके क्या खा रहा है दही बल्ले गर्मी थी है भाई पेट नहीं खराब होना चाहिए पेट खराब हुआ ना कारगिल वाले रूट में वहाँ कुछ मिलेगा नहीं बीच बीच में बमबारी चाली होगी साथ में ये लस्सी बहुत बढ़िया था मैंगो लस्सी हाँ तो भाई यहाँ एसी में बैठा है हल्दीराम में खा रहा है और क्या चीज़ हमने तो सैंडविच मंगाया भाई हल्का सा फाइबर पेट में जाए बस ठीक है पानी हमने फ्री की पी लिया ड्रिंकिंग वाटर मिल गया था 50 रुपये बचा लिए तो भैया हमने खाना खा लिया है अब आ गई है बॉडी में जान अब शाम तक हमें कैसे भी करके उधमपुर पहुँचना है और ये देखिए व्यू
ये जम्मू चल रहा है अभी, कठुआ एरिया है, और फर्स्ट व्यू है ये जो पहाड़ों के, जब से हम शुरू से चला रहे हैं फर्स्ट व्यू अभी हमें दिख रहा है पहाड़ों का, साथ ही साथ ऑफ रोड भी मिल रहा है, ऑफ रोड भी चालू हो गया है। ये तो अच्छा है कि बारिश नहीं है, बारिश हो तो इस रोड में चलाना बहुत टफ हो जाएगा भाई, और टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो ये एक चीज बढ़िया है कि बारिश नहीं है। तो भैया एंजॉय करिए व्यूज। भाई ये देखो, ये पूरी मिट्टी है और स्टीप चढ़ाई है, थैंक गॉड की बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है इसका मतलब शायद आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। तो यार छोटा सा चैनल है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक अगर हो जाएगा तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है यार। बाकी एंजॉय करो इस राइड को।